जब मैं 5-6 साल का हुआ करता था तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम रॉनी था। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हम पूरा दिन साथ में रहते और खेलते थे। वो मेरे घर रोज़ आया करता था, लेकिन जब भी मैं उसके घर जाने के लिए कहता तो वो मना कर देता। हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता था। वो मेरी माँ को बहुत ध्यान से देखता और कई बार उनको देख के रो भी पड़ता। जब मैं पूछता क्यों रो रहे हो तो वो बोलता तुम्हारी माँ बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी मैं अपनी माँ से उसके बारे में बताता तो वो मुझे हमेशा डांट देती, और जब भी मैं अपनी माँ से रॉनी के बारे में पूछता तो उनकी आंखें भर आती। समय बीतता गया और हम बड़े हो गए। एक दिन मेरी माँ ने बुलाया, वो थोड़ा उदास लग रही थी। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ माँ, तो उन्होंने मुझसे बताया क्या तुम अभी रॉनी से मिलते हो। मैंने बोला हाँ। तब मेरी माँ ने मुझे बताया कि रॉनी नाम का कोई लड़का नहीं, वो जिसे रॉनी समझते हो वो तुम्हारा बड़ा भाई है। जब वो 1 साल का हुआ तो वो किसी बीमारी के चलते मर गया। और जब जब तुम मुझे अपने दोस्त रॉनी के बारे में बताते और उससे मिलाने की कोशिश करते तो वहाँ सिर्फ तुम अकेले होते, तुम्हारे साथ कोई और नहीं होता। वो जिसे मैं अपने दोस्त समझता था वो और कोई नहीं, मेरा बड़ा भाई था। वो हमसे इतना प्यार करता था कि मरने के बाद भी हमारे साथ रहता है।